श्योपुर नगर के पाली रोड सात निमनी फिडर से ज्यादा मठेपुरा 11 केवी लाइन विगत 3 दिन से बंद पड़ी है, जिसके चलते खेती किसानी कार्य में किसानों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, लाइट बंद होने से किसानों के धान रोपण कार्य भी ठप हो चुका है। जहां लाइट सप्लाई प्रारंभ किए जाने को लेकर विगत रात 10 बजे सभी किसान एकत्रित होकर पाली रोड फीडर पहुंचे, तो फीडर पर तैनात विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी आबद खान ने किसानों से लाइट प्रारंभ किए जाने को लेकर निवेदन किया, तो कर्मचारी के द्वारा किसानों से अभद्रता करते हुए गाली गलौज करते हुए कहा कि लाइट चालू नहीं होगी, आप शब्दों का प्रयोग भी किया। जहां पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के कहने पर किसान पाली रोड फिटर से बेरंग ही लौट गए। किसानों ने आज सुबह पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के नेतृत्व में विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ज्ञापन सौंपकर महाप्रबंधक को दी। जानकारी के बाद महाप्रबंधक अस्थाना ने किसानों को लाइट चालू करवाने जाने के आश्वासन के साथ ही किसानों से अभद्रता करने वाले कर्मचारी को फीडर से हटाए जाने की बात कही। देखना होगा कि किसानों की समस्या के समाधान के साथ किसानों के साथ गाली गलौज करने वाले कर्मचारी के प्रति विभाग क्या एक्शन लेता है। तो उसमें मैं रिफायर है, एक ही जय का रिफायर है, ये पूरे लिस्ट बना के सीओ ऑफिस भेज रहा हूँ। इनमें सारे काम करने पड़ेंगे, कहीं चार खंबे टूटे पड़े पहले, कहीं बाड़ा वाला काम कहीं है, वो उसमें वो नहीं हो रहा है। तुम्हारे वाले ने क्या है, ज्यादा वाले कारण तो होगा ना, नहीं चलती हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, अब आपके बारे में चीज बोल रहा था, हमने अपने बात करी सर इस चीज में। नहीं, मैं आए हैं महाप्रबंधक से मिलने, क्या कारण थे, क्यों आए थे, और विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक ने आपको क्या आश्वासन दिया? जो हमारी जेदल या पाली रोड से जो लाइन जा रही है फीडर की, वो 3 दिन से बंद है, और अधिकारियों पे फोन लगाते, अधिकारी फोन नहीं उठाते, और ना वो वहाँ का वो ऑपरेटर है वो भी उटपटांग भाषा बोलता है यहाँ के किसानों से, और उनसे बोला कि अभी आश्वासन दिया उन्होंने कि कुछ ही देर में लाइन चालू करवाएंगे, और उसको वो उठपटांग बोला, उनसे गाली गलौज हुई है और उनको हटाने के लिए। कितने दिन से लाइट बनती है आपकी? 3 दिन से। अधिकारी का ये कहना है कि आज लाइट चालू करवा दी जाएगी? हाँ जी, ये अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया?